Good morning, everyone. I'm Komal Yadav. Today we are going to discuss about the reversible and irreversible change. What do you understand by the term of reversible and irreversible change? तो अगर हम रिवर्स की बात करें, ओके, एक ऐसा चेंज जो क्या हो, रिवर्स हो जाए, ओके, इट्स मीन दैट कि इफ समथिंग वी आर डूइंग, ओके, आफ्टर दैट वट एवर द कॉम्पोनेंट वी विल गेट इट एग्जैक्टली द सेम और द ओरिजिनल वन. यानी कि कुछ हम लोग करते हैं तो वट विल हैपन कि करने के बाद फिर से वही चीज़ें मिल जाए जो पहले था. जस्ट लाइक सपोज वी आर हैविंग द रबड़ बैंड, वी विल स्ट्रेच इट, हम उसको स्ट्रेच करेंगे एंड लीव इट, छोड़ देते. वट विल हैपन, इट विल कम एग्जैक्टली वट एवर इज बिफोर दैट वन, जैसे था वैसे ही आपको ओरिजिनल वन में मिल जाता है. सो तो वी कैन कंसिडर दैट, कह सकते हैं कि अगर हम चेंजेस की बात करें, दैन चेंजेस इन विच द ऑब्जेक्ट और द मटेरियल कैन बी ऑप्टेन बैक इन देयर ओरिजिनल वन, इट्स कंसिडर टू बी अ रिवर्सिबल चेंज. वैन वी टॉक अबाउट द रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, द फर्स्ट थिंग इज दैट चेंजेस ऑफ आइस कन्वर्जन, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्वर्जन ऑफ आइस वाटर एंड वेपर. ओके, आपस में क्या होता है, दे आर रिवर्सिबल चेंज. वाटर क्या होता है, वेन वी आर गोइंग टू फ्रीज इट, वॉट विल हैपन, इट विल टर्न इन टू द आइस वेन वी फ्रीज इट. वॉट विल हैपन, इट विल टर्न इन टू द आइस एंड अगेन आफ्टर मेल्टिंग, ओके, अगेन रेफ्रिजरेटर से निकाल दीजिए, वॉट विल हैपन, अगेन यू विल गेट द वाटर. दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज यू कैन ऑल्सो सी वेन वी आर गोइंग टू बॉइल इट, वॉट विल हैपन, इट विल टर्न इन टू द वेपर फॉर्म, ओके, एंड देन बाय द इंटरैक्शन ऑफ एनी सॉलिड मटेरियल और टू क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, इट विल टर्न अगेन इन वाटर, ओके. वेपराइजेशन, जिसको इवेपोरेशन ही बोलते हैं, पानी से वेपर ही बन जाता है, वेपर से फिर से पानी बन जाता है. एंड वी आर गोइंग टू, व्हेन वी आर गोइंग टू फ्रीज इट, इट विल टर्न टू द आइस एंड अगेन इट विल, यू विल गेट इट आफ्टर कीपिंग इट लाइक दिस इन वाटर. तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज. वाटर का आइस में और वेपर में कन्वर्ट होना, ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज. द सेम थिंग यू विल ऑल्सो सी इन द बैक बटर. Have you heard about butter? When we are going to keep it, that butter in the warm condition or to the any place where or normal temperature, we can say the boil room temperature, it will melt. Okay, yes, butter kya hota hai, melt ho jayega when we are keeping it to the room temperature. And when we are going to keep it in the refrigerator, it will condensed, yani ki wo fir se condensed hoke solid form mein solidify ho jayega. ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज, कि दोबारा से आपको सेम प्रोडक्ट ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाए. ओके, बट सम ऑफ द चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, यू कैन सी अदर थिंग ऑल्सो इन द इरिवर्सिबल फॉर्म. मतलब कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो दोबारा से वही नहीं मिल जाते हैं. ओके, जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे पेपर के जलाने की बात, सपोज इफ वी बर्न द पेपर, अगर हम कागज को जला दें, यू विल गेट द एशेस एंड लाइट, बट यू विल नॉट गेट अगेन द सेम पेपर वट एवर यू हैव यूज इन द स्टार्टिंग वन. ओके, जो आपने पहले स्टार्ट में यूज़ किया था, सेम पेपर आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा. ओके, सपोज ये कागज है, जला दिया, जल गया, जलने के बाद वापस से आप चाहते हो कि यही पेपर वापस मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो कोई भी चेंजेस, इफ़ यू विल नॉट गेट द सेम ऑब्जेक्ट ओरिजिनल वन बैक, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी इरिवर्सिबल. दोनों में सिर्फ एक होगा, कैन और कैन नॉट का यूज़ करेंगे, बट द डेफिनेशन शुड बी सेम, कि इफ वी आर गोइंग टू एनी चेंजेस विच यू विल गेट इट बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल, एंड इफ यू विल नॉट गेट बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज. ओके, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया. उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो रस्टिंग बोल सकते हैं, कि आप रस्ट लग जाने के बाद वापस से नहीं मिल जाता. आटे का यूज़ करके फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर की चपाती बनाते हैं, लेकिन फिर से आप चाहते हो कि आप उस वही आटा पुराना वाला मिल जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल.
ओके सेम थिंग कुक फूड एक बार खाना पक जाने के बाद फिर से रॉ नहीं मिल पाएगा. तो दिस इज कॉल्ड द इररिवर्सिबल चेंज. द इररिवर्सिबल चेंज इधर इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल. ओके डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल का मतलब डिजायरेबल जो हमारे लिए सही हो कि दैट इज गुड इट इज कंसिडर टू बी डिजायरेबल एंड दोज विच आर नॉट गुड इट्स कंसिडर टू बी अनडिजायरेबल. ओके जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को डिजायरेबल और अनडिजायरेबल में चेंजेस कि खाने का पकना डिजायरेबल होता है. ओके हम चाहते हैं कि खाना पक जाए तो ये डिजायरेबल है लेकिन खाने का सड़ना ये क्या है अनडिजायरेबल है. ओके स्पॉइलेज ऑफ फूड इज अनडिजायरेबल. वी डोंट वॉन्ट कि खाना हमारा खराब हो. ओके तो स्पॉइलेज ऑफ फूड इज अनडिजायरेबल बट द कुकिंग ऑफ फूड इज कुक फूड इट्स डिजायरेबल. द सेम थिंग इज देयर ऑल्सो रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल चेंजेस. ये दोनों ही इररिवर्सिबल चेंज होगा. ये दोनों ही कंडीशन मतलब खाने का पकना और स्पॉइल होना इररिवर्सिबल चेंज होगा क्योंकि दोबारा से आप रॉ नहीं बना सकते दोबारा से वैसे पुराने तरीके से नहीं कन्वर्ट कर सकते. लेकिन कुक फूड खाने का कुक होना वो डिजायरेबल चेंज में आएगा और स्पॉइलेज ऑफ फूड आएगा अनडिजायरेबल में. और भी एग्जाम्पल्स हैं जस्ट लाइक अगर हम डिजायरेबल चेंज की बात करें कि अगर हम लोग आटे को यू नोइंग अबाउट दैट वन फ्लोर एग मिल्क शुगर बटर मिक्स करके वी कैन बेक द केक एंड दैट इज डिजायरेबल चेंज. ओके इट इज इररिवर्सिबल एंड डिजायरेबल चेंज बट व्हेन वी आर यूज दिस ओके खत्म कर लिया दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर हम बात करें लीव इट द सेकेंड वन व्हेन वी आर गोइंग टू टेक इट द आयरन आयरन लेते हैं लोहा लेते हैं उसमें रस्टिंग लग जाती है तो वो क्या होता है अनडिजायरेबल चेंज. कोरोजन हो जाता है खराब हो जाने पे क्या होगा ये अनडिजायरेबल. हम नहीं चाहते कि कोई भी ऑब्जेक्ट खराब हो स्पॉइल्ड हो रस्ट लगे ओके डैमेज हो तो दैट इज कंसीडर टू बी अनडिजायरेबल. ओके हियर द थिंग इज दैट रिवर्सिबल चेंज इज ऑल्सो डिजायरेबल समटाइम्स जस्ट लाइक रबड़ का स्ट्रेच. हम लोगों ने रबड़ को स्ट्रेच किया क्योंकि हमें ज़रूरत थी उसको स्ट्रेच करने की एंड आफ्टर दैट वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा that is quite different thing but this is also considered to be a desirable change. Understanding? I think this is enough for today. Thank you and have a nice day.